हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द बिग ब्रेकडाउन। और आज है बस दो दिन बचे स्वीटी टिकट टू फिनाले। थैंक गॉड, आई मीन आई एम एक्साइटेड फॉर देम। हम हमारे लिए बहुत खुश हैं क्योंकि मैं सच में बिग बॉस देखना बंद करने वाला हूँ। मैन, यू नो आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग। हम कल ही बात कर रहे थे कि हम है ना रोज रात ऐसी लड़ाई ऐसा व्यवहार देख कर सोते हैं। क्या हमारे माइंड पे, क्या हमारे अंतर्ध्वन जो चलता है अंदर, रियली एक्चुअली मैन, यू नो इट्स रियली डिस्टर्बिंग एक्चुअली। बट एनीवे इट्स अ प्रोजेक्ट सो वी हैव टू डू इट। यू नो ये लोग कैसे सोते, हाउ डू दे स्लीप एट नाइट एंड हाउ डू दे गेट अप इन द मॉर्निंग? डोंट दे हैव हेडेक्स and stress and that we would have of, oh, we would have we where would you would have, think so. Wow, maybe I wake up and I'm home and you think, oh crap, I'm in this house with these such people still. But really ye to hum yahan par feel kar rahe hain, wahan par bhi mai aisa hi mehsoos hota tha ki because feel like a slow you fought so hard and then you know ki kal subah uthkar wapas ladna hai aur wapas kuch tasks hone wale hai, kuch अजीब गरीब चीज होने वाली है, बिग बॉस करता है। एनीवे सो दिस बीबी डिलीवरी टास्क जो है चल रहा है पिछले दो दिनों से। लेट मी कांग्रेचुलेट बिग बॉस, यू रियली आउटडिड योरसेल्फ बाय कमिंग अप विद द मोस्ट बोरिंग टास्क्स एवर। ये पूरे दिन बैठे रहो, घंटी बजेगी, कौन करेगा, टिक 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 करो, ऑर्डर दो, बैठो, फिर चलो टास्क खत्म, फिर घंटी बजेगी। हाउ डज इट टाइम पास? टाइम जस्ट पासेस एकदम शुक 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 बहुत पूरे दिन में। बेसिकली बिग बॉस चाहते हैं कि डिलीवरीज के बीच में कुछ प्लानिंग हो, कुछ स्ट्रेटजीज हो जो कि हमें थोड़ी बहुत यहाँ पर देखने को मिली रश्मि के थ्रू। अच्छा लगा मुझे, कैसे पलट गई वो। कोशिश तो कर रही है। आई थिंक एक्चुअली सब लोगों में से रश्मि और सिद्धार्थ सबसे ज्यादा स्ट्रेटजाइज और प्लान कर रहे हैं। ओके, एंड दे आर प्लेइंग द गेम। दे आर एग्जैक्टली, दे आर प्लेइंग द गेम रियली वेल। दे आर रियली लाइक इन दिस टास्क। या और आई थिंक आज आरती जो स्टैंड ले रही थी अपने आप को deliver girl banne ke liye, I think she should have stuck her guns and not let her go and fought her way through. I think at some point, you know, fight karke ki banda thak jata hai, you're like, you know what, I just give up, forget it. Haan, but I think she should have just stuck on for a little longer because wo, you can't just let a task go so easily. Sometimes I feel, yes, mujhe bhi, main bhi apna kabhi task dekhta hu, mujhe kabhi lagta hai itni aasani se cheez nahi jaane deni chahiye. You have to give it 100%. You have, that's what I've learned, that you have to give your 100% for everything. Uske baad om namah shivaya, then leave it to him. But you need to fight for everything till the end. A fight to ek word hai, you know, your, how do you call it, you know, you strive to achieve, see it through. Exactly. So I think it's a good thing. Bahut sari cheeze jo hai Bigg Boss sikhate bhi hain, you know, when you leave the unreal world of Bigg Boss. भाई रश्मि ने क्या गेम पलटी, वेरी गुड। Well, you know, you have to be aggressive. Yeah, like just to the point. है तो है नहीं। Baby, selfish हो गए अपने लिए। You know what? It's yeah. अब मैं देखता हूँ तो it's fun actually. You know, if you just मुकर जाओ। Watch it from the outside. Hey, watch it from the outside. No, I changed my mind. So I changed my mind. Too bad. What you gonna do? दोगला. वहाँ पर पता है बड़ा वो फील होता है कि दोगला कैसे बोल दिया, या यू नो टू फेस कैसे बोल दिया, या फिर तूने चेंज कर दिया, चीटिंग कर ली है वो सब, बिकॉज़ इट इट ऑल वर्क्स ऑन चीटिंग एंड बिग बॉस एक्सेप्ट्स दैट इफ यू गॉन थ्रू चीटिंग, गुड फॉर यू, यू प्लेड इट। बेचारी आरती चिल्ला के उसके यू नो गला फट गया, लेकिन नोबडी बट आई थिंक वेरी 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 गुड, यू नो आई थिंक दिस इज द वे टू प्ले इट। तभी जाकर गेम में मजा आता है, ऑडियंस को भी मजा आता है कि हाँ ये सही किया, मतलब जो गलत भी किया वो भी सही किया। एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ कि मैं पता चला कि सिद्धार्थ और रश्मि की कोर्ट मैरिज हुई थी। हाँ, दैट्स वेरी क्यूट मैन। यू नो टुडे शनाज वाज एंटरटेनिंग, आई हैव टू गिव हर दैट, वाज रियली क्यूट। और सिद्धार्थ भी बड़ा स्पोर्टिंगली उसने ये सारी चीजें दी, इट्स क्यूट, यू नो, दैट्स हाउ यू शुड टेक इट, दैट्स हाउ यू शुड मूव अहेड, ना कि हर बात पर गेट एक्साइटेड। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि कल वाले टास्क में जो कह रहे हैं कि
दो सबसे ज्यादा दोगला कौन है. यू नो व्हाट, द वे रश्मि टर्न द गेम, दोगला साउंड लाइक अ वेरी घिनौना वर्ड. या बैड वर्ड, बैड वर्ड, ओके, चीप. या बट द वे रश्मि टर्न द गेम मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस. उससे आप दोगला नहीं कहोगे फर्स्टली, ओके, जिस तरह उसको ब्रांड किया, बिकॉज yesterday it was majority, अब majority हो नहीं रहा था, so she took a decision, right? So I think वो maybe, I think कल देखने को मिलेगा कि कल क्या होता है, किसको दोगलेपंती का टैग मिलता है. बट दिस वर्ड दोगला इज अ वेरी हैवी वर्ड, बहुत ही इंसल्टिंग वर्ड होता है. बहुत गुस्से में आ जाते हैं जब हम, मुझे कैसे दोगला बोल दिया. I'm not taking that दोगलापन tag on me. Yeah, but anyway, so let's see tomorrow what happens. And congratulations to Mahira and Paris. But a lot of people feel Mahira wasn't deserving. So I feel actually Paris did have an advantage because Paris ke group mein se he was the only guy. So if the girls are playing for you, wo sab aapke paas se delivery ke liye aaye. Absolutely. So he had a good chance from the beginning. A disadvantage to Siddharth aur Asim ko thi. लेकिन मुझे देवोलिना का स्टैंड भी बहुत सही लगा था, बिकॉज शी सेड कि अगर मुझे चांस मिलता है मैं ड्रॉ नहीं करूँगी, मैं अपने दोस्तों के लिए खेलूँगी, भले बाद में जाके मुझे अपने लिए खेलना पड़े, बट एट दिस पॉइंट बहुत एविडेंट है कि दो ग्रुप्स बन चुके हैं एंड शी इज़ प्लेइंग फॉर हर टीम एंड दिस इज राइट नाउ अ टीम टास्क. It is a team task right now. Yeah, okay. And she played for her. In fact, I think वो जो दोगला पंती का जो टैग जाता है, I think शेफाली को जाना चाहिए, बिकॉज शी वॉज गोइंग टू गिव इट टू Siddharth and or Asim. Yeah. To those guys who were the mean, who were so mean to her, unko itna matlab itni tohmat lagayi Shefali par, and she was going to give it to them only just because usko pata ki Paras usse nahi deta. Ye kya baat hui? You know, so it's very important sometimes to stand by the people who you are with. With your group. Exactly. Yeah. So if you think about who's the biggest dogla. Chef. Chef.